बेटी जींस पहनेगी तो प्रॉब्लम है, बेटी प्यार करेगी तो प्रॉब्लम है। क्या हो गया, एक छोटू का आप मर्डर कर देंगे तो क्या पूरा बिहार का छोटू प्यार करना बंद कर देगा? अगर आपको पसंद नहीं था तो आप वो लड़का को कानून के हवाले कर सकते थे, समाज के हवाले कर सकते थे, लेकिन इस तरह निर्मम हत्या करके आप पूरे बिहार की माँ को, बहन को, पूरे माँ बहन को जगा दी। कौन नहीं किया प्रेम? भगवान ने किए थे प्रेम, कृष्ण भगवान ने राधा ने किए थे प्रेम, राम भगवान ने सीता जी प्रेम नहीं किए थे, तो गुनाह है क्या? भाभी का भाई है ना, उससे शादी करवाना चाह रही थी, क्योंकि ये भी अपने पैरों पे खड़ी थी, सोच रहा था सब इससे शादी हो जाए, तो इस वजह से सबको मतलब माँ बाप सबको एग्री करवा के रखी थी इसकी भाभी, तो नहीं होने की वजह से लड़का वाला को लड़का को बुलाया। नारी के अंदर कितनी पावर होती है वो सबको पता है, एक नारी ही एक मर्द को पैदा करती है, सो पता है आपको ना, वो कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। आप देख रहे हैं VR News, एक नजर सच्चाई की ओर। कौन ने किया प्रेम? भगवान ने किए थे प्रेम, कृष्ण भगवान ने राधा ने किए थे प्रेम, राम भगवान ने सीता जी प्रेम नहीं किए थे, तो गुनाह था क्या? भगवान के नाम पे तो राजनीति सब करते हैं, जब प्रेम की बात आता है तो इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान की बात आप करते हैं। बेटी एक वस्तु के समान हो गई है, जैसे लोग गाय का दान करता है वैसे कन्या दान कर दीजिए। बेटी जींस पहनेगी तो प्रॉब्लम है, बेटी प्यार करेगी तो प्रॉब्लम है। क्या हो गया, एक छोटू का आप मर्डर कर देंगे तो क्या पूरा बिहार का छोटू प्यार करना बंद कर देगा? एकदम क्रांतिकारी नारी शक्ति इसी को कहते हैं, जो आरती है, लड़ रही है और लड़ेगी भी और दिखाएगी कि उसका प्यार कितना सच्चा है। ये वो वाला प्यार नहीं था जो ये नेता लोग करता है। समाज क्या, समाज 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 क्या, समाज समाज क्या देता है? कुछ भी नहीं देता है। ये समाज के कारण से ये इतना बड़ा घटना हुआ है, प्रतिष्ठा हनन हो जाता है, किसी का बेटा चला गया है, रो रही है माँ, कोई किसी का बेटा लौटा देगा तो समाज बेटा लौटा देगा, बताइए। आज वो लड़की रो रही है, उसके तो हिम्मत की सराहना करते कि अपने माँ बाप को छोड़ के आके इसको हिम्मत दे रहे हैं, इस माँ बाप को और ऐसे परिवार को भी हम सैल्यूट करते हैं, उस लड़की को अपना बेटा मान रहे हैं। बिहार में ऐसे परिवार का नाम गिनीज बुक में दाखिल होना चाहिए ऐसे लोगों का, कि हमारे धरती पे हमारे समाज में छोटू के जैसे पापा के जैसे लोग हमारे समाज में हैं और उस लड़की को अपने घर में रखे हुए हैं। ये उस गांव के लोग को समझना चाहिए, उसके परिवार जहां भी देख रहे होंगे वो जीते जी हमको लगता है वो खुद से मर जाए या प्रशासन के हवाले कर दे, अगर थोड़ा भी शर्म हया बचा हुआ है तो। नहीं तो हम लोग नारी हैं और नारी के अंदर कितनी पावर होती है वो सबको पता है, एक नारी ही एक मर्द को पैदा करती है, सो पता है आपको ना, वो कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। बहुत देख लिए सबका, अगर नहीं मिलता इसका न्यायालय तो कुछ भी होगा, कुछ भी हो जाएगा, ये आरती जाके बैठेगी रोड पे, देखते हैं कौन क्या कर लेता है। एक लोग कहता है कि महिला महिला का दर्द समझती है, एक कहावत है ना कि अरे चलो ना महिला है महिला ही का दर्द समझती है, वो कैसी महिला थी जो महिला को ननद बहन की तरह होती है, वो नहीं समझी, सबसे पहले उसको फांसी होना चाहिए, सुपनेखा वाला जो काम किया। ऐसे लोग को ना समाज में जिंदा रहने का कोई राइट नहीं है, अगर शासन प्रशासन अगर इसे नहीं देते तो समाज को इसको एकदम समाज से इसको अलग कर देना चाहिए। बस अभी यही कहना चाहेंगे, उसका जो दोषी है भाभी उसका गिरफ्तारी होना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि भाभी ने ही बुलाया था और लड़की को कुछ पता नहीं था, उनको जहाँ तक मालूम है अंदर में बात किए थे तो ये बताई कि मेरे भाभी का ही हाथ है सब कुछ में, तो उसका जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, वो छुप के कहीं बैठी हुई है। तो भाभी का भाई है ना, तो उससे शादी करवाना चाह रही थी, क्योंकि ये भी अपने पैरों पे खड़ी थी, सोच रहा था सब इससे शादी हो जाए, तो इस वजह से सबको मतलब माँ बाप सबको एग्री करवा के रखी थी इसकी भाभी, तो नहीं होने की वजह से लड़का वाला को लड़का को बुलाया और फिर जैसे ही आया तो गलत तरीके से घर में अफवाह फैला दिया कि लड़का आया लड़की से मिलने के लिए गलत इरादे से, तो इस वजह से सब बांध के उसका शायद बहनोई था, भाभी था, भाई भी था, दोनों को अलग अलग रूम में बंद कर दिया, मारपीट किया उसके बाद। और ये अब मतलब अवेयरनेस होना ही चाहिए, जागरूकता एक तरह से मतलब अब फैलना चाहिए और हम लोग इस विषय पर भी काम करेंगे कि इस तरह का घटना फिर नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा बलिदान दे चुकी है और ये जो स्टेप ली है ये सबके बस की बात नहीं है, अभी उसका कोई उम्र नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग बालिग हुई है, अभी उसका कोई उम्र नहीं है, इतना बड़ा लंबा जिंदगी पड़ा हुआ है इसके सामने, एक माँ अपने बच्चे को खो दिया, वो तो उसको अपना पति मान चुकी थी और अभी वो विधवा का जिंदगी जीने के लिए जो स्टेप आगे बढ़ाई है बहुत बड़ा बात है, छोटा बात नहीं है।
ये बहुत निंदीय घटना है और छोटू का क्या गलती था, यही ना कि उसका बेटी से प्यार किया था, उसका बहुत उपाय हो सकता था। अगर आपको पसंद नहीं था तो आप वो लड़का को कानून के हवाले कर सकते थे, समाज के हवाले कर सकते थे, लेकिन इस तरह निर्मम हत्या करके आप पूरे बिहार की माँ को, बहन को, पूरे माँ बहन को जगा दिया। पूरे माँ बहन ये छोटू की हत्या के खिलाफ है और उसके साथ है कि छोटू का हत्यारा का को जल्द से जल्द सजा मिले और कानून जो सजा तय करेगी वो सजा सबको मानना होगी। इसीलिए हम लोग का मांग है कि मौत के बदले मौत मिलना चाहिए, लेकिन संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, उस हिसाब से उसको सजा मिले। और उसकी भाभी की जो गलती है, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ, आज 12 दिन 15 दिन हो गए, लेकिन पुलिस प्रशासन क्या कर रही है इसका भी निंदा करते हैं हम लोग कि इस तरह नहीं होना चाहिए। और यह छोटू जो आज है, वो छोटू सोचिए कि आज मरा नहीं, वो शहीद हुआ है। इसीलिए ऐसा कौन पूरा देश का माँ नहीं होगी, बहन नहीं होगी, जो छोटू का बात सुनकर, उसका हत्या के बारे में सुनकर को, निर्मम हत्या को देख करके आंसू नहीं गिरा होगा। इसीलिए हर माँ, अब छोटू पूरा देश का बेटा हो गया, बेटा बन गया जब वो इस दुनिया से गया, तो इसीलिए उसका आरती जो बची हुई है हम लोग सपोर्ट करते हैं, हर माँ बहन उसको सपोर्ट करती है कि आरती को इंसाफ मिलना चाहिए और वो जो इस तरह किए हैं उसको कानून जो सजा तय करेगी, मतलब कि सजा मिलना चाहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।